अस्सलाम वालेकुम मॉम। अस्सलाम बेटा, क्या इधर फिट दुआएं बेटा, कैसा रहा ऑफिस? टफ एज यूजुअल। तुम्हारी मीटिंग थी ना आज? हाँ, टाइम पे पहुंच गया। पहुंच गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हैप्पी एनिवर्सरी। आई एम सो सॉरी। हैप्पी एनिवर्सरी। मुझे पता था आप भूल जाएंगे। कोई बात नहीं, मैं हूं ना याद करवाने के लिए, क्या फर्क पड़ता है? अरे क्यों फर्क नहीं पड़ता, वेडिंग एनिवर्सरी है तुम दोनों की, इसको कहीं घुमाने फिराने लेकर जाओ। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि अच्छी जगह से ना डिनर भी करवा लेना और उसके बाद उसको उसकी अम्मी के पास ले जाओ मिलवाने। बहन से भी मिल लेगी, शगुफ्ता से भी मिल लेगी, काफी अरसा हो गया ना कहीं। I'm really sorry, मैं आज बहुत थका हूँ। मॉम ऑफिस में इतना काम था कि आप मानेंगी नहीं। बेटा माँ की बात भी नहीं मानोगे? माँ मैं आपकी तो बातें मानता हूँ। आप यही रुके, मैं चेंज करके आता हूँ। साल जरूर पतले लेकिन ये नहीं पतला, ऐसा के वैसे ही फरमा बरदार है मेरा बेटा। वैसे अगर मॉम ना कहती तो आप इस दिन को भी स्पॉइल कर देते ना। मुझे बर्थडेज और एनिवर्सरीज मनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या फर्क पड़ता है हम इन्हें सेलिब्रेट करें या ना करें? यही तो छोटी छोटी बातें होती हैं जो खुशियां देती हैं, लेकिन आपको कहां पता इन बातों का? आपका तो बिजनेस माइंड है, प्यार करने वाला दिल तो आप रखते ही नहीं है। अच्छा है आपको मेरे नेचर का अंदाजा हो गया है, अब आइंदा से आपकी तरफ से कोई गिले शिकवे नहीं आएंगे। जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना सीखो, और आपको करना पड़ेगा क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई हल ही नहीं। अगर आपने खाना खा लिया तो चले। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? ठीक। कैसे हैं आप बिलाल? अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई, बड़ी प्यारी लग रही हो। अब अम्मी कहाँ हैं? अम्मी वो आंटी के साथ गई हैं मिलाद पे, आने वाली होंगे थोड़ी देर में। आप लोग खड़े हुए क्यों हैं? प्लीज बैठे, मैं अम्मी को कॉल कर देती हूँ। शशा, यू ओके? क्या हुआ है? क्या हुआ? कुछ नहीं, ठीक हूँ मैं। शशा, पानी लेकर आऊँ मैं? नहीं, हल्के से चक्कर आ रहे हैं। बैठे। हाँ, एक सेकंड बैठाते हैं। इधर आ जाओ, आ जाओ।